नमस्कार। हमारा देश एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, बहुत ही मुश्किल दौर से। इसलिए हम सबको एक साथ मिलकर इसका सामना करना पड़ेगा और इस कोरोना वायरस को हमेशा के लिए हटाना पड़ेगा। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है आप सबसे कि गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए और घर से बाहर नहीं निकलिए। घर से बाहर तब निकलिए जब बहुत बहुत जरूरी हो। अपने घर पे रहिए, अपनी फैमिली के साथ अच्छा वक्त बिताइए और प्लीज एक बार और गवर्नमेंट जो कहती है वो सुनिए और उनका पालन कीजिए और सुरक्षित रहिए। और ये कोरोना वायरस को हमें हटाना ही होगा। जय हिंद। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो। मेरा नाम है सलमान खान। पहले तो उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा मैं जो कि अभी तक के काम कर रहे हैं, जैसे कि हेल्थ में काम कर रहे हैं और फिर पुलिस वाले हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हैव डेडिकेटेड देयर टाइम टू कोरोना। तो थैंक यू वेरी वेरी मच। अब अपील ये है, ये जो गवर्नमेंट है ये आपके लिए और हमारे लिए, हम सब के लिए बोल रही है, तो इसको सीरियसली लो, अफवाहें मत फैलाओ। ये हमेशा से एक प्रॉब्लम है कि सबको ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ नहीं होगा, ये कोरोना वायरस किसी को भी हो सकता है। बस में, ट्रेन में, मार्केट में, हर जगह। तो काय कोई पंगे ले रहे हो बाहर जाना, ये पब्लिक हॉलीडे नहीं है भाई, ये बड़ा सीरियस मामला है। ये सब बंद करो, मास्क पहनो, प्रोटेक्ट करो अपने आप को, हाथ धो, साफ सुथरे रहो, लोगों से दूर रहो। ये सब करने में क्या दिक्कत है आपको? अगर किसी की जान बच रही है, जाने बच रही हैं, सैकड़ों जाने बच रही हैं आपकी खुद की, तो क्यों नहीं कर रहे हो आप? करो यार, ये जिंदगी का सवाल है, करो ये प्लीज, दरख्वास्त है। थैंक यू। As most of us never thought we'd see this day, it's impacted each and every one of us, but the impact on a few has been really, really hard. You know, people living in 10x10 rooms, people in the slums, for them social distancing is an absolute luxury, and so is the use of hand sanitizers. So much so today that even food and water is an absolute luxury. Guys, so let's come forward and support these very people and tell them that we are all in it, in this with them. Save the Children India is working towards helping these very people, so please donate generously and support us. I promise every rupee that you send will only reach these people and it'll only help these people. Guys, whatever you can, in however way and whatever way you can help, please do help us at Save the Children India. घर पर हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी मुझे घर बैठ के देख रहे होंगे, और अगर आप बाहर हैं तो किसी बहुत बहुत ज़रूरी काम से होंगे, क्योंकि अभी हम सब का खुद पे खुद से ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है कि क्या मेरा बाहर जाना ज़रूरी है, क्या मेरा बाहर जाना सुरक्षित है मेरे लिए, आसपास के लोगों के लिए। आप पूछ रहे होंगे कि मैं इतना सवाल क्यों कर रहा हूँ, बताता हूँ। मुंबई एयरपोर्ट पर लोग जो सफ़र से लौटे हैं, जिनका एयरपोर्ट पर टेस्ट किया जा रहा है, जो कोरोना टेस्ट में लो रिस्क कैटेगरी में है, उन्हें एक स्टैंप लगा के होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जा रहा है या होटल भेजा जा रहा है, ये समझा के कि 2 हफ्ते सोशल डिस्टेंस बना के रखें एज अ प्रिकॉशन अपने लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए। लेकिन बिलीव इट और नॉट, होम क्वारंटाइन का ठप्पा लगाने के बावजूद इनमें से कुछ यात्री ना सिर्फ शहर में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं, छुट्टियों पर जा रहे हैं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जा रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं।
किस तरह की सोच है, क्या मानसिकता है, क्या समझ नहीं आ रहा लोगों को। भाई साहब बहन जी, कोरोना वायरस छुट्टी पर नहीं, काफ़ी जोर शोर से काम कर रहा है, ओवरटाइम कर रहा है, इस रेस में वो आगे चल रहा है, लेकिन रेस अभी बाकी है। जीता नहीं है, हम जीत सकते हैं, हमें जीतना ही होगा। अगर आप इस रेस को जीतने की कोशिश कर रहे हैं तो डॉक्टर्स, नर्सेज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, पुलिस, कई ऐसे लोगों की मेहनत को यूं रेस के बीच लंगड़ी ना मारें। ये पहली रेस, पहली ऐसी रेस होगी दुनिया में जिसमें सबसे पहले रुकने वाला रनर जीत जाएगा, ना सिर्फ खुद जीतेगा बाकी सबको जिताएगा। इस रेस में सब साथ जीतेंगे या फिर सब साथ हारेंगे। बीएमसी इस स्टैंप को जो हाथों पे लगाती है, इस स्टैंप को बैज ऑफ ऑनर कहती है। बैज ऑफ ऑनर क्योंकि आप ना सिर्फ खुद को सुरक्षित कर रहे हैं बल्कि बाकी कईयों की जान बचा रहे हैं। जान बचाने वाले का सम्मान तो होना ही चाहिए, इस सम्मान का अपमान ना करें आप लोग। कुछ हफ्तों की बात है फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। किसी ने सोच समझ के ही कहा था, जान है तो जहां है, सोचिए और समझिए। नमस्कार। हेलो बच्चों, आज मुझे आपकी मदद चाहिए। आई रियली रियली नीड योर हेल्प। मुझे लगता है कि अब आप ही कुछ कर सकते हैं कोरोना को हराने के लिए। कुछ बड़े हैं ना, बस नाम के ही बड़े होते हैं। इन बड़ों को जगाना है और कोरोना को हराना है। इन बड़ों को समझाना होगा कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए घर से बाहर जाने में कोई बहादुरी नहीं है, घर पर रहकर लड़ना होगा, घर पर रहकर हिम्मत दिखानी होगी। मैं जानता हूं कि कुछ बड़े हैं जो किसी की नहीं सुनते, पर आपकी सुनेंगे। जब आप उन्हें समझाएंगे, जब आप उन्हें बताएंगे कि अगर उन्हें आपकी फिक्र है, आपकी फैमिली की फिक्र है, तो वो सोशल डिस्टेंसिंग की, यानी कि फिजिकली एक दूसरे से दूर रहने की इम्पोर्टेंस को समझेंगे और सारे रूल्स फॉलो करेंगे। आप करेंगे ना मेरा काम? और हाँ, आप सब आपका भी अपना भी पूरा पूरा ध्यान रखें। हम सबको इसमें साथ आना है, इन बड़ों को जगाना है और कोरोना को हराना है। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल। हर बार मैं आपसे दिल की बात प्यार से बोलता हूं, पर आज कसम से इतनी खुंदक आ रही है ना कि कुछ गलत शब्द अगर मुंह से निकल जाए तो मुझे माफ करना। पर दिमाग हिल गया कर कुछ लोगों का है, क्या हो गया लोग? किसको लॉकडाउन का मतलब समझ नहीं आ रहा? लॉकडाउन का मतलब होता है घर पर रहो, घर के भीतर रहो, परिवार के साथ रहो, सड़क पे तफरी करने के लिए निकल ना जाओ। बड़े बहादुर बन रहे हो आप लोग बाहर जाके, ये सब धरी की धरी रह जाएगी, ये सब आपकी बहादुरी सब इधर ही रह जाएगी। खुद भी अस्पताल जाओगे और अपने परिवार वालों को भी साथ ले जाओगे, माँ बहन बाप बीवी सब के सब पहुंच जाएंगे, कोई नहीं बचेगा अगर ध्यान नहीं रखोगे। यार अकल का इस्तेमाल करो, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। मैं फिल्मों में स्टंट करता हूँ, गाड़ियाँ उड़ाता हूँ, हेलीकॉप्टर से लटकता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ, पर सच में कह रहा हूँ, जान सूखी हुई है। मजाक नहीं है इस टाइम ये बीमारी के सामने सबकी हालत बुरी है, पूरी दुनिया की हालत बुरी है। अपने परिवार के हीरो बन सकते हो तुम लोग, जिंदगी के खिलाड़ी बनो, सिर्फ घर पे रहो, बस घर पे रहो, बस सिर्फ घर पे रहो। जब तक सरकार कह रही है घर पे रहो, इससे आपकी जान बची रहेगी, आपके परिवार की जान बची रहेगी। कोरोना के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है, हमें इसे हराना है, इस डिजीज को हराना है, कोई चॉइस नहीं हमारे पास। बाकी अगर कोई लड़ाई होती, कोई जंग होता तो मैं आप लोगों से कहता, चलो उठो वीरों सैनिकों लड़ो, लेकिन ये जंग
इसके लिए मैं आप लोगों को कहूंगा हाथ धो के सिर्फ घर पे बैठे रहो, बस बैठे रहो, चुपचाप अंदर ही रहो, जब तक सरकार नहीं कहती है बाहर मत आओ। मैं फिर आऊंगा आप लोगों से पूछने की कि आप लोग खिलाड़ी बने हो या बेवकूफ बने हो। घर पे रहो, धन्यवाद। मेरी आपसे अपील और विनती है कि इस वक्त सुरक्षा बहुत जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि आप और आपका परिवार घर पर ही रहें। हम घर पर रहकर बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, फिल्में देख सकते हैं और कई तरह के घर में बच्चों के साथ खेल खेल सकते हैं, और बच्चे भी ऑनलाइन ऐप के जरिए पढ़